बीपीएससी हेड टीचर और प्रिंसिपल का तो रिजल्ट आ चुका है अभी, आप सब जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अब बात आती है कि अपॉइंटमेंट तो हो गया कई सारे लोगों का इसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा था इन्होंने, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा था इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा एक सस्पेक्ट सा बना हुआ था, लेकिन रिजल्ट आ गया है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में है कि बीपीएससी हेड टीचर और प्रिंसिपल की सैलरी वो कितनी है महीने की, मंथली जो सैलरी की हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है, वैसे इसे पहले ऑलरेडी दिया था रफली आइडिया कि इसमें जो वैकेंसी, इसमें जो सैलरी होगी अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के बीच में होगी, लेकिन वो क्राइटेरिया वाइज का रखा, प्राथमिक विद्यालय का अलग है, उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग है, तो सभी टीचर का अलग अलग इसमें वैकेंसियों के हिसाब से पोस्ट के हिसाब से सैलरी है। जैसे बीपीएससी का प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक की जो सैलरी है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में यदि कोई शिक्षक है तो उसके लिए उसकी सैलरी डिसाइड की गई है, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक की जो सैलरी है वो है 45,000 रुपये का वेतन मिलेगा, ये एक आइडिया है, लगभग 45,000 के आसपास मिलेगा। उच्च माध्यमिक में कितना मिलेगा, जो कोई प्रधान अध्यापक होगा उसकी जो सैलरी होगी 60,000 रुपये के आसपास होगी, मंथली हर महीने 60,000 रुपये के आसपास मिलेगा, एक रफली आइडिया है, इतना मिलेगा ही मिलेगा, 45,000 प्रधान शिक्षक को और प्रधान अध्यापक को 60,000 की तनख्वाह मिलेगी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो सैलरी का इन्होंने डिफाइन किया है वो किस तरीके से, ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं दिया है कि TADA कितना होगा या महंगाई भत्ता कितना है, तो एक अलग सिनेरियो है। और इस फॉर्म को अप्लाई किया था लगभग 1,50,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस फॉर्म को, जिसमें से जो क्वालिफाइड हुए हैं कैंडिडेट 42,918 लोग क्वालिफाई हुए, जिसमें से 36,947 प्रधान शिक्षक हुए हैं, 5,971 प्रधान अध्यापक की नियुक्ति हुई है, तो टोटल जो 42,000 का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, शिक्षक का, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का। सैलरी दोनों की सेम ही है, लगभग थोड़े बहुत अंतर है, सेम तो नहीं कह सकते, 15,000 का गैप है, 45,000 है प्रधान शिक्षक की सैलरी और 60,000 है प्रधान अध्यापक की सैलरी। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी, ये एक ऑफिशियल नोटिस तो नहीं कह सकते आप, लेकिन इतना आसपास सैलरी इतनी मिलेगी एज पर द स्टेट के गाइडलाइन के हिसाब से। तो वीडियो को शेयर कीजिए जिन सभी को डाउट है कि कितनी सैलरी है प्रधान अध्यापक की, कितनी सैलरी है और हेड शिक्षक कितनी सैलरी है, तो वही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।